लेट्स सी गाइस, इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। अभी आप सोचेंगे हमें साइन 0 की वैल्यू बताया, साइन 30 की वैल्यू बताया, साइन 45 की वैल्यू बताया, साइन 60 की, साइन 90, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई बाय 2, साइन 4 पाई, व्हाटएवर आपको पता है और मल्टीपल्स एंड इवन मल्टीपल्स, बट हियर इज ओनली साइन 15। ओके गाइस, तो साइन 15, अभी साइन 15 को पता है आपको, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। जस्ट देखते हैं कैसे ढूंढते हैं इसकी वैल्यू। देखो, हमने कुछ 11th क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉस एंड साइन, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं आता। इधर साइन ए माइनस बी की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल टू नथिंग, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एंड वी हैव टू डिसाइड हमें ए की वैल्यू कितना लेना है और बी का वैल्यू कितना लेना है, जो हमें 15 मिले। कितना मिले? जो हमें 15 मिले। अगर मैं कहूँ ए का वैल्यू मैं 45 लेता हूँ, ए का वैल्यू कितना लेता हूँ? ए का वैल्यू मैं 45 लेता हूँ और बी का वैल्यू मैं 30 लेता हूँ, तो मुझे ए माइनस बी करने पर कितना मिलेगा? ए माइनस बी करने पर मुझे हाउ मच शुड आई गेट? 45 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 50। सो इन दैट वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी एंगल विच इज असाइंड टू साइन ऑफ कॉस। सो बाय मेकिंग अ सम डिफरेंस और सम चेंजेस इन द क्वेश्चन वी कैन एबल टू फाइंड आवर फाइनल आंसर। सो लेट्स टू कंटिन्यू आवर क्वेश्चन। So we have considered A is equals to 45 and B is equals to 30. So just put these values in this question. Same as sine 45 minus sine 45 degree minus 30 degree is equals to sin A which is 45, cos B which is 30 degree minus cos 45 and sin 30. So obviously we have to find the value. This is sin 45 which is 1 over root 2 into, that is cos 30 is root 3 by 2. And you can say pi by 6. How much cost pi by 6? 30 is equals to pi by 6, right? Cost pi by 6 is equals to root 3 by 2 minus cost 45. Cost 45, you know, 1 over root 2 into sine 30, which is nothing, 1 by 2. So in final we get root 3 minus 1 over 2 root 2 which is equals to value of sine 15. So in that way we do anything regarding the angles by making some changes. It may be you can do plus or minus, or you can say difference, you can take the difference of two angles, then you get 50 exactly. So in this question I take a is equals to 45, b is equals to 30 to make it equal to the 15 degree of sine. So finally we got the value of sine 15 is equal to root 3 minus 1 over 2 root 2, because sine 45 into cos 30 minus cos 45 into sine 30. So sine 45 1 over root 2, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 by root 2 and sine 30 1 by 2. So we know denominator is the same, so that's why I took the denominator a digit as we have.
So in the numerator will become root 3 minus 2. So I hope guys मेरी वीडियोस आपको काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, और अगर कोई सुधार की ज़रूरत है, इफ़ देयर इज सम चांसेस ऑफ यू नो इफ देयर इज सम ऑप्शंस टू मेक अ करेक्शन, और सो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड रिकमेंड मी सम स्पेशल नोटबुक और सम इक्विपमेंट्स टू मेक द वीडियोस फर्दर easy to you. So it's our leaving time. So thank you guys. Bye bye. See you soon.